हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मैक फाउंडेशन का रिव्यू। और आज की जो वीडियो है, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसकी रिक्वेस्ट मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने की थी, तो मैं आज उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको मेरे चैनल पर वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइस, ये बिल्कुल फ्री है, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से आती है। ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल में आती है, ये देखिए इस तरीके से। इससे आपको आसानी रहती है जो आपका शेड है उसे चूज करने में। बट आप अगर ऑनलाइन खरीद लें तो आपको बहुत ही केयरफुली आपको ये अपना शेड जो है चूज करना है, क्योंकि आई नो कि ये मेरा शेड नहीं है। आप देख सकते हैं, ये मेरा परफेक्ट शेड नहीं है। और ये मुझे कैसे मिला था ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करूं, तो ये प्लास्टिक बॉटल में आता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और इसकी ब्लैक कलर की लीड है, आप देखिए। और इसके ऊपर सभी चीजें मेंशन की हुई है, मैक स्टूडियो फेस एंड बॉडी फाउंडेशन, ये देखिए। तो ये फेस और बॉडी दोनों के लिए है, दोनों ही जगह पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको टोटल जो क्वांटिटी की अगर बात की जाए, तो टोटल क्वांटिटी आपको मिलती है 120 ml, ये देखिए 120 ml की प्रोडक्ट मिल जाती है आपको इसमें। और इसमें एक चीज की सिर्फ ये कमी लगी है कि इसके ऊपर आपको कोई भी शेड वगैरह ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, जिससे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है अपना शेड चूज करने में, यानी कि अपना परफेक्ट शेड चूज करने में। तो ये चीज मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी थी कि इसके ऊपर शेड वगैरह का ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ था। तो ये देखिए, बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो मैं आपको बता दूंगा इसकी, मैंने ये फ्लिपकार्ट शॉपिंग हॉल एक अपने चैनल पे शेयर किया था, उसे आपने बहुत पसंद किया है, बहुत ही अच्छा लगा आपको वो शॉपिंग हॉल। तो उसके साथ ही मुझे ये कॉम्बो किट में मिला था, मैंने ये मैक की कॉम्बो किट में मंगवाया था फाउंडेशन। तो उसमें ये फाउंडेशन भी था, आईलाइनर था, वो सभी चीजें मैंने इसमें मेंशन की हुई है अपनी वीडियो में। तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरह से है, और ये काफी ट्रैवल फ्रेंडली है, तो आप इसे अपने पर्स वगैरह में भी कैरी कर सकते हैं इजीली। और ऐसा नहीं है बहुत आसानी से खुल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। इसके अंदर भी एक और लीड लगी हुई है, ये देखिए, जिसे आप ड्रॉप ले सकते हैं इस फाउंडेशन की। बट मुझे ये ड्रॉप अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे कुछ खास नहीं लगी है, क्योंकि ये देखिए, ये आपको काफी क्रीमी है ये, जो कि आपको दबा कर निकालना पड़ता है। और दबा के निकालने में क्या प्रॉब्लम होती है कि काफी सारा फाउंडेशन एक बार में ही काफी बाहर आ जाता है। तो इसलिए मुझे ये चीज इसकी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मुझे जब भी इसे लगाना होता है, तो मैं इसकी ये वाली लीड ओपन कर और फिर इसे लगाती हूँ। तो चलिए, मैं इसे अपने फेस पर आपको अप्लाई कर दिखा देती हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ड्राई स्किन वालों के लिए मैं इसे जरूर रिकमेंड करूंगी। जैसा कि विंटर्स आ चुकी हैं, तो ड्राई स्किन वाले इस फाउंडेशन को यूज कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले इसे ना यूज करें, क्योंकि इसकी काफी क्रीमी है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगी, जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है ड्राई स्किन है, वो इसे ऑफकोर्स यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसे अब अपने फेस पर अप्लाई कर दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं, मैंने इसे लिपस्टिक लगाई है और आई मेकअप किया हुआ है, दैट्स इट। इसके अलावा मेरे फेस पर कोई भी मेकअप नहीं है, ये देखिए। और यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, ये देखिए, मैंने इसकी लिड ओपन कर ली है, क्योंकि जब आप इस तरीके से पंप कर करके इसे निकालते हैं ना, तो काफी प्रोडक्ट एक ही बार में बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है। तो इसलिए मैं इसे इस तरीके से नहीं लूंगी, मैं इसे एक ब्रश की हेल्प से निकालूंगी, ये देखिए, क्योंकि इसके साथ कोई भी एप्लीकेटर वगैरह नहीं आता है। तो मैं इसे एक बार आपको थोड़ा सा अप्लाई कर दिखा देती हूँ, ये देखिए। आई नो कि ये मेरा परफेक्ट शेड नहीं है, ये देखिए, तो ये काफी क्रीमी है, ये देखिए। और ये शेयर टू मीडियम कवरेज देता है, ये देखिए, कवरेज अच्छी लगी है मुझे इसकी। आप एवरीडे के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं, इजिली ब्लेंड हो जाता है, ये देखिए, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। मैंने सिर्फ अपनी स्किन पर मॉइस्चराइजर लगाया हुआ था और मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। आप इसे चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, और ब्रश की हेल्प से भी आप देख सकते हैं कितना इजीली ब्लेंड हो गया। आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, क्योंकि फिंगर की हेल्प से भी ये और इजीली ब्लेंड हो जाता है, ये देखिए। तो ये देखिए, मैंने अपने फाउंडेशन के अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत इजीली ये ब्लेंड हो गया है और बहुत ही अच्छे से मेरी स्किन में एब्जॉर्ब भी हो गया है, ये देखिए। तो काफी अच्छी कवरेज दी है इसने, आप देख सकते हैं, शेयर टू मीडियम कवरेज देता है, एवरीडे के लिए परफेक्ट है। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी इसे, और आप चाहें तो इसे अपनी पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इसके बाद मैं अभी अपना कॉम्पैक्ट पाउडर से इसे सेट कर लेती हूँ। और ये
फाउंडेशन आपके डार्क स्पॉट या डार्क सर्कल और जो भी आपके आईज पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होगी उसे इतने अच्छे से कवर नहीं करता है, तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं। सो गाइस ये था मेरा आज का फाउंडेशन का रिव्यू। आई रियली होप कि आपको पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।